मैं ठाकुर वीरेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारतीय विकास मंच, मैं अपने सभी उत्तर भारतीयों को और अपने सारे कार्यकर्ताओं, मित्रों को और आपकी NS न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना की इस महामारी में इस साल हम लोग पूरा परेशान रहे, मैं ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूं कि भगवान 2020 का ये साल जो है हमें कोरोना की इस महामारी से मुक्त करे और आज़ादी का जश्न हम लोग अपने घरों में बैठकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज़ादी के इस जश्न को अपने घरों में मनाएं। झंडा ऊंचा हमारा हमेशा रहेगा, सदा ही हम इसके साथ हैं। हमारे जांबाज सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उनको भी आज के दिन पर उनको भी याद कर रहे हैं, उनको भी सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लाखों लोग देश के हित में कुर्बान हुए हैं, आज उनको याद करने का दिन है। ये 15 अगस्त जो है ये वास्तव में उन शहीदों को, उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के लिए कफन ओढ़ लिया और हम लोगों को महामूल्य आज़ादी देकर गए। अब हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम इस आज़ादी का जतन करें और इसकी रक्षा करें। देश में जो आसुरी ताकतें हैं उनका सर्वनाश करें, आतंकियों को ढूंढकर खदेड़ें, ये हमारा कर्तव्य होता है। हम सभी उत्तर भारतीय लोगों को तथा तमाम न्यूज के दर्शकों को, सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।